हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपका बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का। सलजर्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 262 में आज ट्रेडिंग सेशन में 6% के 6.5% का अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। 75% गेन कर चुका है 52 क्लोज से। हाई वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और अभी भी इसका 47% अपसाइड मोमेंटम बाकी है। तो 65% एक साल में रिटर्न दिया निफ्टी के कंपेयर में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अभी भी 50% के आसपास आपको टारगेट मिल रहा है। तो अभी ट्रेड कर रहा है 262 में, टारगेट आ रहा है 390। तो अभी भी 50% के आसपास आपको तेज़ी दिख सकता है स्टॉक में। जो लोग पहले से बाई करके बैठे हो तो उसको होल्डिंग का सलाह रहेगा, और जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हो तो अभी बेस्ट टाइम है। आप कल के ट्रेडिंग सेशन में फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हो, क्योंकि 50% अभी भी अपसाइड मोमेंटम बाकी है। तो अभी 11 पॉजिटिव एंड 12 नेगेटिव है। तो यहाँ से सीधा सीधा एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे सबको बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका है, और उस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो आपका टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है, और 200 डेज DMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका RSI जो है 59% के ऊपर है, और MFI भी 68। तो अभी भी ना ओवरबॉट जोन में है ना ही आपका नीचे है। तो इस हिसाब से देखते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि टारगेट जो निकल के आ रहा है, तो यहाँ से 47390 के आसपास आपको नवंबर लास्ट में, आपको एक महीने के डेढ़ महीने के अंदर आपको मिल सकता है। तो 73% लोग अभी भी बाइंग कर रहे थे, मेरा भी बाइंग कर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।